नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज है 2 सितंबर 2018 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 सितंबर 2018 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और साथ ही साथ उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या चीज़ है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा उसका आंसर जो है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको याद करने में भी आसानी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। 1 सितंबर 2018 के जो करंट अफेयर्स थे उसमें मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे और कहा था कि कमेंट करके उसके आंसर दीजिए। आप में से बहुत से लोगों ने आंसर दिया था तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उनका सही आंसर भी बताऊंगा और आज की वीडियो में भी 2 प्रश्न आपके लिए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट करके देने हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। पहला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। हाल ही में सरकार ने जनसंख्या के आंकड़ों को पूरी तरह जारी करने का समय कितने वर्ष तय कर दिया है? ठीक है, जो जनसंख्या के जो अंतिम आंकड़े होते हैं वो पूरी तरह जारी करने का जो समय है वो कितने वर्ष कर दिया है सरकार ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, 3 वर्ष। याद रखिएगा 3 वर्ष जो है कर दिया गया है। पहले जो है ये समय सीमा 5 वर्ष थी, यानी कि जो आंकड़े जो जनगणना के आते थे वो 5 वर्ष में आते थे, अब जो है 3 वर्ष में ही आ जाएंगे। इसके साथ ही 2021 की जो जनगणना होगी उसमें OBC जातियों के लोगों के लिए लोगों के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। तो OBC वर्ग से जितने भी लोग होंगे उनके आंकड़े भी इस जनगणना में जुटाए जाएंगे। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि इसमें जो मेन जो इसका उद्देश्य है वो ये चीज़ है कि जो OBC वर्ग है उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जो है पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि OBC वर्ग की कितनी जनसंख्या है, जिससे कि जो भी आरक्षण के लाभ हो गए या फिर अन्य लाभ हो गए जो कि खास वर्ग को मिलते हैं, तो वो जो है वो सारे के सारे लाभ देने के लिए लोगों तक पहुँचाने के लिए जो है बेसिकली उसका जो कह सकते हैं वर्गीकरण करने के लिए मकसद से ये चीज़ किया जा रहा है। तो ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि OBC लोगों के जो आंकड़े हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में ये निर्णय लिए गए हैं। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध जैन मुनि का निधन हो गया? तो तरुण सागर जैन मुनि का निधन हो गया। तरुण सागर जो है एक प्रसिद्ध जैन मुनि हैं, इनके बारे में आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी सुना भी होगा आपने। इनका निधन हो गया 1 सितंबर 2018 को, पीलिया के कारण दिल्ली में इनका निधन हुआ। इन्होंने जो है दवाइयां लेना बंद कर दिया था और संत को अपना लिया था। ठीक है, तो संत प्रक्रिया है जैन धर्म में जो कि बेसिकली प्राण त्यागने के लिए ही ली जाती है। जब जो है लास्ट में संतान प्रक्रिया में जो है जो भी व्यक्ति रहेगा वो अपना खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, और कहा जाता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से इन्होंने जो है इन मृत्यु जो है इनको प्राप्त हुई। याद रखिएगा कि इन्होंने जो है दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था। ये अपने कड़वे वचन है, यहाँ पर कड़वे है ये। ठीक है, इन्होंने जो ये जो है अपने कड़वे प्रवचन नामक अपने उद्देश्यों के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो बुक्स वगैरह निकालते थे या फिर जो प्रवचन इनके आते थे किताबों में छप के या फिर जो ये प्रवचन देते थे, तो इनके प्रवचनों को कड़वे प्रवचन कहा जाता था। ठीक है, कड़वे प्रवचन के नाम से ही जो है इनकी बुक्स वगैरह आती थी। तो बेसिकली जो ये रूढ़िवादी सोच है या फिर जो समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो बुराइयाँ फैली हैं उसके खिलाफ जो है ये बेसिकली मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बिना किसी डर के बोलते थे। तो इनके जो वचन थे उनको कड़वे प्रवचन के नाम से जो है बोला जाता था। इनकी जो बुक्स वगैरह आती हैं वो इसी नाम से आती हैं। इनका जन्म 26 जून 1967 को भारत के मध्य प्रदेश स्थित दमोह में एक छोटे से गांव गुहाची में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था आप ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, और इनका निधन हो गया है ये तो आपको याद रखना है यहाँ पर से। इसके बाद देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं कि हाल ही में किसके द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB का शुभारम्भ किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो शुभारंभ किया गया वो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि इंडिया
पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसका शुभारंभ हुआ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO सुरेश कुमार सेठी हैं और वर्तमान में 650 शाखाएं और 3250 एक्सेस पॉइंट जो है खोले गए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है बेसिकली इसका जो मकसद है वो दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक जो है बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाना है। तो यहाँ वो जो पहुँचाने के लिए जो है बेसिकली जो पोस्टमैन है उनकी हेल्प ली जाएगी, तो उनको जो है एज अ बैंकर वहाँ पर भेजा जाएगा और साथ ही साथ जो है लोगों के अकाउंट खुलवाए जाएंगे और विभिन्न तरीके के मतलब उनको जो है लोगों को आने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बैंक जो है बायोमेट्रिक का सारा जितना भी सिस्टम होता है सबका सब, जैसे आपने देखा होगा जब आप सिम वगैरह लेते हैं तो आपको सिप जो है कहीं पर भी अंगूठा लगाना होता है तो आपके आधार कार्ड की डिटेल आ जाती है, उससे जो है आप सिम आसानी से ले सकते हो। उसी तरीके से जो है इसमें भी ऐसा ही है, पोस्टमैन वगैरह को दिया जाएगा बायोमेट्रिक सिस्टम का जो भी चीज़ें हैं और उसी के द्वारा जो है वो विभिन्न इलाकों ग्रामीण इलाकों दूरदराज में जाके वहाँ पर भी जो है बैंक से जो है लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो है लोगों के खाते खोलेंगे। यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जो इसमें जो है लोगों के खाते खोले जाएंगे। तो इसमें अन्य सुविधाएँ हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी और अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल में सर्च करिए, बहुत सी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। और आपके लिए खैर इतना ही है एग्ज़ाम के लिए, ओके। देख लीजिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा कि चौथा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का जो उद्घाटन किया गया वो किया गया नीदरलैंड में। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ से बताता हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि चौथे अंतर्राष्ट्रीय, ये तो हमें याद रखना है, आयुष राज्य मंत्री श्री श्रीपद येशो नाइक ने नीदरलैंड में किया। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, भारत सरकार के मंत्री हैं ये राज्य मंत्री। चौथा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का जो आयोजन है वो नीदरलैंड में भारतीय दूतावास के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महर्षि आयुर्वेद संस्थान नीदरलैंड और अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ पुणे द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किनके द्वारा किया जा रहा है ये चीज़ आप याद रखिएगा, एक ये संस्था हो गई, एक ये संस्था हो गई, एक ये संस्था हो गई वाली, ओके। तो तीन हैं यहाँ पर जिनके सहयोग से ये हो रहा है और उद्घाटन किसने किया ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाल ही में वर्ष 2018-2019 के लिए भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो IBA का अध्यक्ष चुना गया सुनील मेहता को। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा और साथ में मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सुनील मेहता पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO हैं और भारतीय बैंक संघ का जो गठन है वो भारत में परिचालन के लिए भारतीय बैंकिंग प्रबंधन के प्रतिनिधि निकाय के रूप में 26 सितंबर 1946 में किया गया था। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा। तो बेसिकली इसका जो काम है भारतीय बैंक संघ का, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि बैंक कर्मचारी जो है हड़ताल पे चले जाते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, तो तनख्वाह बढ़ाने संबंधी जो भी फैसले हैं वो यही लेता है। यहाँ पर जो है इन्हीं के सामने जो है मीटिंग वगैरह बैठती है, यही जो है फैसला लेते हैं किस तरीके से जो है अगर तनख्वाह बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है तो क्यों नहीं बढ़ानी। तो ये जो फैसले हैं बेसिकली प्रबंधन से रिलेटेड ये जो भारतीय बैंक संघ है इसी के अधीन है। तो यहाँ पर और भी कार्य करता है ये, बैंक से जो सुधार हैं उनके लिए भी ये जो है काफ़ी कुछ करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कौन है, ठीक है, ओके। इसके बाद देख लीजिए छठा क्वेश्चन हमारा कि एशियन गेम्स 2018 में भारत के मुक्केबाज अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है। तो अमित पंघाल ने जीता है स्वर्ण पदक, यहाँ से ये चीज़ तो याद रखनी है। साथ में ये भी याद रखिएगा कि इनको उम्र जो है वो 22 वर्ष है और वो भारतीय सेना में JCO के पद पर हैं। मुक्केबाज अमित पंघाल हरियाणा के रोहतक ज़िले में मायना गांव के रहने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये कहाँ से संबंधित है, कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन हमारा कि एशियन गेम्स 2018 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसके बारे में डिटेल से नहीं बताऊँगा, ऑलरेडी जो है काफ़ी कुछ इसके बारे में है। लास्ट में जो है इसने लास्ट मैच में अपने पाकिस्तान को हराया है और कांस्य पदक जो है जीता है, ओके। चलिए इसके बाद आठवां क्वेश्चन हमारा कि एशियन गेम्स 2018 में ब्रिज प्रतियोगिता में भारत के जो है प्रवण वर्धन और शिवनाथ सरकार ने कौन सा पदक जीता है। भारत के हो गए यहाँ पर,
भारत के प्रवण वर्धन और शिवनाथ सरकार ने जीता है स्वर्ण पदक। ये तो हमें याद रखना ही है, साथ में ये चीज़ भी याद रखिएगा कि ब्रिज प्रतियोगिता में ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले ब्रिज प्रतियोगिता में कोई पदक नहीं जीता था भारत ने, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पहला स्वर्ण पदक ये चीज़ ये है यहाँ पर, ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसे डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 के लिए नामित किया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार ऑप्शन हमारे पास हैं, उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला BK मिश्रा। डॉक्टर BK मिश्रा को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार भारत का सर्वोच्च चिकित्सा सम्मान है, ये चीज़ याद रखिएगा। इनको यह जो पुरस्कार है वो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर 1 जुलाई 2019 को दिया जाएगा। किसे? डॉक्टर BK मिश्रा को। इस पुरस्कार का नाम पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा कि इनको जो पुरस्कार दिया जाएगा वो 1 जुलाई 2019 को दिया जाएगा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति हैं भारत के, तो उनके द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर। तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। इसके बाद 10वां क्वेश्चन हमारा कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक की जो तिमाही है, 3 महीने हैं, उसमें जो है पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि यानी कि GDP कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है GDP में रही है, चीज़ हमें बतानी है, ठीक है, कितने प्रतिशत रही होगा यहाँ पर। तो GDP में जो वृद्धि रही है वो रही है 8.2%, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि ये पिछले 2 वर्ष में जो है सबसे अधिक वृद्धि रही है, और वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं, इन्हीं के द्वारा जो है ये जो आंकड़े हैं ये प्रस्तुत किए गए हैं। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा, वित्त मंत्री के नाम भी मैंने आपको बताया दिया है यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारे आज के क्वेश्चन। 1 सितंबर 2018 को मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, और पहला प्रश्न हमारा था कि जो है फोर्स मैगजीन ने जो है हाल ही में एक लिस्ट जारी की थी, और आपको बताना था कि इस लिस्ट में टॉप 10 में इनमें से कौन शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और बताना था कि आपको कौन से जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन D वाला अमिताभ बच्चन। याद रखिएगा अमिताभ बच्चन का नाम इस लिस्ट में नहीं है, मैंने काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था उस वक्त भी। तो इस सूची में जॉर्ज क्लूनी पहले स्थान पर हैं, और बात करें अगर हम अक्षय कुमार और सलमान खान की, तो अक्षय कुमार इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं और सलमान खान हैं 9वें नंबर पर। तो ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि वेतन पाने वाले अभिनेताओं के लिस्ट में अक्षय कुमार ने 7वें नंबर पे और सलमान खान ने 9वें नंबर पे, जॉर्ज क्लूनी इसमें पहले स्थान पे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था। तो 4 ऑप्शन थे, इसका सही आंसर ऑप्शन B वाला था, हरियक वंश से, ठीक है। तो अजात शत्रु हरियक वंश से संबंधित था। अजात शत्रु का मगध का शासक था जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी, तो उदयन ने जो है अजात शत्रु की हत्या की थी। तो यहाँ पर से ये चीज़ भी आपको पता चल गई है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए हमारे आज के प्रश्न। इसके बाद देख लीजिए आपके लिए आज के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि ईरान द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम क्या था। 4 ऑप्शन दिए हैं, मुझे बताइए कि जो स्वदेशी विमान है लड़ाकू विमान ईरान का, वो पहला स्वदेशी विमान कौन सा है। इसके बाद 2nd क्वेश्चन आपके लिए है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, बताइए सही आंसर कि इसका सही आंसर क्या होगा, और अपना कमेंट में जो है आंसर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास कोई एजुकेशनल आपके ग्रुप होंगे या फिर फेसबुक पेज होगा तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।